रोडवेज बस ने दो बाइक सवारों में मारी टक्कर, एक बाइक सवार की मौके पर हुई मौत, दूसरा बाइक सवार बालक हुआ घायल। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। मृतक व्यक्ति अपने छोटे भाई की ससुराल गांव बढ़ेरा जा रहा था। 32 वर्षीय सहदेव पुत्र यादराम निवासी सैलार थाना कोतवाली देहात का बताया गया है। थाना कोतवाली देहात के गांव नगला गलू की घटना। रिपोर्टर हर्ष द्विवेदी एटा। हमारे चाचा जी लगते थे, ये घर से निकल रहे थे और ये नगला गलू पार करते ये रोडवेज वाला आया, उन्होंने रॉन्ग साइड पर दबाई गाड़ी, उनको एक्सीडेंट मारा। उसके बाद में एक गांव की बाइक और थी हमारी, उसको भी उसने गाड़ी को फोड़ा है। उसमें एक लेडीज थी और एक बंदा, एक बच्चा था। वो क्या लोग घायल हुए हैं उसमें? उसमें ये तो ऑन स्पॉट खत्म हो गया है जी। और उसके बाद में दूसरी बाइक थी, उसमें भी उनका बेटा था छोटा, उसके बाद में चोट है। अच्छा, उसके जी बच्चा घायल हुआ है? बच्चा घायल हुआ, छोटा बच्चा था, करीब होगा साल भर का। ये कहाँ जा रहे थे? ये जा रहे थे अपने इनके छोटे भाई ततरा रहे बढ़ेरा जी, वहाँ जा रहे थे बाइक से, अकेले थे। क्या बजे घटना है ये? अभी ये सर 5:30 के आसपास। 5:30 बजे।